मामला ये है, हम लड़का का बाप हैं। लड़का क्या नाम है? लड़का का नाम जंगीलाल दीपक। लड़का नाम? आपका नाम? हमारा नाम जंगीलाल है। तो बनकट गांव है, मैं मेरा घर है, मैं बनकट गांव ही से बोल रहा हूँ। थाना कौन सा है? थाना सुराउन लगता है। तो हम मैं काम पे चला गया था और मेरी बीवी घर पे थी और कमलेश लाल जी रामदास पताली ये सब मिल के हमारे मैडम को मोबाइल छीन रहे थे। जब वो नहीं दिया तो घर में छीन रहे थे, नहीं दिया ना तो उसको हाथ पकड़ के बहरे खींच लाए, गाली वाली देने लगे, कह मोबाइल दे वो लड़का का। सुनने में आ रहा जो हम मारे पीटे भी, हाँ बाहर निकाल लाए मारे भी। तब वो रोने लगी, हल्ला मचाने लगी, तब गांव वाले टूटे तो उसको डांटने लगे, पहेंटे तो भाग गए अपने अपने घर। मैटर कहाँ से शुरुआत हुआ ये मैटर? मैटर शुरुआत पैसा हुआ। वो बोले कि तू देखो हमारा लड़का जेल भी है, हमारे बीवी जेल क्यों है? कहाँ से शुरुआत हुई? वो हमारा लड़का ननियाल में था, बहन के यहाँ। तो ये लड़की मैं जानूंगा, देखो जानता था थोड़ा बहुत, ये पहले से कनेक्शन था, साल दो साल लड़का पहले। लड़की का? लड़का लड़की का, लाल जी की लड़की थी, हमारा लड़का था, ये पहले चल रहा था। तो उसके बाद ये इसको बोला गया, समझाया गया, देख यार तू अपने को संभाल, मैं अपने को संभालूं, ये अपने को नहीं रोक पाया। तो इसकी हमारा लड़का अपने बुआ किया था, तो लड़की भाग के गई वहाँ। वो बोले कि हमको लिवा चलो अपने साथ, भाग चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो हमें लड़का कुछ समझ में नहीं आया कि मैं नहीं ले जाऊंगा तो मर जाएगी, तो इसलिए वो लेकर चला गया, दो दिन गायब था। तो बोले कि हमारा लड़का वो लड़की वापस कर दीजिए नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम के रुक जाओ, टाइम दो, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ के ले आया, उसके सौंप दिया उसकी लड़की। जब सौंप दिया तो मेरे अपना लड़की लेकर वो लिखाने पढ़ाने लगी, लिखा पढ़ा के हमारे लड़के को जेल भेजा दिया। अच्छा। जेल भेजाने के बाद अब डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए दो। अब हमारे पास है नहीं, हम कहाँ दें साहब। अब मोबाइल मांग रहे हैं हमारे लड़के को, कि लड़का जेल में भी है, मोबाइल अब मांग रहे हैं। 3-4 दिन से टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब लोग राम नरेश और सब कोई दौड़े तब छुड़ाने के लिए, तब ये लोग भाग गए अपने अपने घर, छत पे चढ़ के गाली दे रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं जो सुलह होने के लिए? 5 लाख मांग रहे हैं। ये कौन लोग थे जो मांग रहे थे? ये सुरेश मांग रहे थे, पताली नाम है, हाँ पताली, और कमलेश रामदास और लाल जी के औरत चांतारा नाम है। इस मैटर को आपने प्रशासन या पुलिस से जो अवगत कराया? हाँ कराया हूँ। क्या कहा पुलिस ने? हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ मार मोबाइल मांगे हैं रामदास और पताली और जो ना है रीसु कमलेश उनकर माई, और मोबाइल छीनत रहे ना ही दिहन तो वही हमका हाथ पकड़ सब मिल के मारे लागे। तो कमलेश हमारा हाथ पकड़ घेरा लिहन, हमका मारे लागे। जब मारे लागे तो सब दौड़े हैं, हम हल्ला मचाए, हमारे हमारा आदमी कौन कौन मारा? कमलेश पताली और जो ना है रामदास और रीसु। कुछ मामला रहा है वैसे है जो है चीज़? मतलब हमार बेटवा जेल में गया है, हमारा आदमी कामे गया है। किस मामले में जेल है? लड़की के बारे में। अच्छा कैसे क्या हुआ? आ? क्या मामला है कैसे? अरे लड़की मतलब हमारा लड़का हुआ नंदी हिया रहा, लड़की हिया रही, लड़की हिया अपने से गई है, लड़का हमारा हुआ रहा, अब हिया जो ना यही मामले में फंसाए दिन, हमारे बेटो को जेल भेज दिन, हमारा आदमी कामे गा रहा है, और जो ना हमारे नाना लड़कियाँ हैं चाटनी वह बड़ा लड़किया रहा है ओका भेज दिए जेल, हमारा आदमी कामे गए, हम अकेले नान नान लड़के लेके है, तो हमका मोबाइल हमारे बेटवा हमसे मांगत हैं। तो लड़का जेल में, उसके बाद अभी ये लोग आए थे आपके घर? हाँ क्या कहें, हमें पैसा की मांग करते रहे, कहें कि 5 लाख पैसा दे जो ना है वो कमले तो पताली कहते रहे, कमलेश कहते रहे। पताली क्या नाम है? पताली नाम है। हाँ अच्छा, वो कौन है पताली? गाँव के हैं। अच्छा लड़की पछुआ ले आए थे क्या? हाँ वो क्या कह रहे हैं? कहन की 5 लाख दा तो हम सुलह करवाई दी। हम कहाँ से दी, हमारे 2 बिस्सा जमीन है उसका बेच दी, बेच के दी, हमारे बच्चे कहाँ जाए? सुलह कराएंगे, वकील हैं क्या है, प्रशासन है क्या है? कुछ न हो। अच्छा प्रशासन क्या कह रही, पुलिस क्या कह रही? क्या कह रही है पुलिस, कौन सुनाई नहीं करती है। हाँ आप लोग बताइए क्या हुआ था? अरे हम लोग अपने घर से आए, हमारे भौजाई के जो वहाँ मारत रहें, मोबाइल छीनत रहें, सब हड़कियाए रहें, तो हम सब खबर पाए, बहन बिटिया यही भाग भाग के आवत गए, हमार भाई नहीं घर पे, हमार भतीज जेल में जो वहाँ,
हमारे भौजाई के मारा था, हम सब खबर पाए भाग भाग आवत गए। क्या पता है जेल में कहां है लड़का? जाऊँ है लड़कियाँ जेल में गा है, लड़की के जाऊँ है उनके बिटिया जब जाती हमारे भतीजा जाऊँ हमारे बहनी खियाँ रहन आ इनका लड़की जब जाती हमारे बहनी खियाँ गवा हमें भतीजा के लगे कहा कि तुम नहीं चलेगी हमारे साथ है भागेंगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। हमारे भतीजा नहीं सुजान सोचे कि मर जाए तो हम फंस जा, हमारा भतीजा भी चला गया। पहले से मैटर था क्या कुछ? अब पहले से मैटर जरूर रहा ने कि उतना हम अपने ससुरे पे रहे इतना नहीं जानकारी बा कि इतना जितना जानकारी है उतना मैं बोल रहे हैं। दादी क्या कहेंगी, क्या मामला है? अरे लड़की भाई जबरदस्ती गई है, ओका घर से जो रहा ले नहीं गए, अपने से चल के गई लड़का के लगे। लड़का हाँ सब जो ना है क्या कर रहे लड़की वाले कहें जबरदस्ती ले गए, नशा खिया के ले गए, पकड़ के ले गया। जेल में तब भी पैसे की मांग कर रहे? हाँ अच्छा, कहता है कि पैसा दे 5 लाख रुपये। कितना? 5 लाख रुपया मांगा तहन जबरदस्ती कहा तहन कि 5 लाख रुपया दे तो लड़कियों के छोड़ा ही दे, जल लड़की जबरदस्ती भेज के लड़का लगे। कौन कह रहा है? ये पताली कह रहा है। हाँ पताली कौन है? और लाल जी के मेहरारू कह रही है और कमलेश कह रहे हैं 5 लाख रुपया दो तो तुम्हारे लड़के छोड़ाए, बताओ कहाँ पाओ 5 लाख रुपया। उसके बाद कहन कि हमारे पास आए ना, कहन खेत बेच के दे 5 लाख रुपया। अब बताओ खेत बेच दे तो पांठी नाना लड़कियाँ चाटी आए कहाँ से खिया मैं, खेत बेच दे तो बता तनर गरीब मन कहाँ पाव रुपया। ये जो पताली है कौन है, किधर से है, इधर से क्या मतलब? लड़की की तरफ से। लड़की की तरफ से गाँव का है। अच्छा क्या नाम है आपका? सरोजा। सरोजा तो के पताली लोग कह रहे हैं कि पैसा चाहिए हमें। हाँ, पैसा दो तो सुलह करवा दे, हम गरीब मने ही है कहाँ पाए, हम सिर्फ 2 परानी है, 5 बच्चे हैं। जब लड़का जो है जेल में है तो उसके बाद पैसा कहाँ मांग रहे हैं? सुलह करवा दे। प्रशासन इस मामले में आप लोग पुलिस थाना नहीं गए? अभी नहीं गए, सोचना दिए हैं। अच्छा और जब मारे लगे तो अगली बगली में नहीं दौड़ी ही ना तो उनका फर्जी लिखाई दी है यहाँ। अच्छा हम का मार दही तो हमारे लड़के खोई ही क्या करी सेवा। अभी छोटा छोटा कितने तारीख की? परसों के। परसों कितने तारीख? तारीख तारीख हमारे यहाँ तारीख कौन? 2 तारीख की। 2 तारीख की। 2 तारीख शाम की घटना। आपके पति क्या नाम है? जंगी लाल। क्या मामला है? मामला यही है कि जो ना है रात की ऐसी आन मोबाइल मांगे ना ही दे सरोजा, और बाद जो ना है क्या कहती मारपीट करे लागे, मारपीट करे लागे, मारपीट के ओकरे बाद छत पे चढ़ गया पताली और कमलेश। ओकरे बाद हाँ उसके बाद जो ना है जब हल्ला मारे तो हम लोग दौड़े तो उन लोग छत पे चढ़ गए तो हम सब लागे गरिया भाई भाई न मार पाओ तो गरिया भाई ओके जान चली जाते, तो हम लोग फिर दौड़े तो छत पे चढ़ गए तो गरिया उरिया कि हम सब वापस चला गए। तो ओकरे बाद उन सब पुलिस बुलाएं फिर गए लिखाएं कि नहीं लिखाएं हमका नहीं पता है। कौन कौन था? कमलेश रहन है और उन रहन सुरेश रहन। पैसे की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ डिमांड कर रहे हैं। कितना? 5 लाख रुपया। किस लिए मांग रहे हैं? उठा भरे सुला भरे। हाँ।